गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज स्वाति और मैं लेकर आ गई हूँ एक और नई वीडियो के साथ। हम लोगों ने ब्रेकफास्ट सारे कवर कर लिए हैं कि वेट गेन में हमें कौन कौन से ब्रेकफास्ट लेने चाहिए। हम लोगों ने अपनी लंच की थाली भी कवर कर ली है कि लंच में हमें कौन कौन सी मील्स लेनी चाहिए। हमने अपने स्नैक्स मील्स भी रेडी कर ली हैं कि हमें कौन कौन से स्नैक्स लेने चाहिए। अब फाइनली आ गई है डिनर की बारी। तो डिनर हमें कैसा बनाना चाहिए कि हमारा प्रोटीन, हमारी कैलोरीज, हमारा टमी, हमारा टाइम, इन सब चीजों को हम बैलेंस कर पाए। टाइम भी सेव हो जाए, कैलोरीज भी मिल जाए, प्रोटीन भी मिल जाए, टमी भी फुल हो जाए, बहुत ज्यादा टाइम भी ना लगे। तो इन सब चीजों को ध्यान में रख के मैंने कुछ डिनर की थाली बनाई है। आई एम श्योर आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आएंगी। तो सबसे पहले वही देखते हैं, फिर आपसे मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें करूंगी। तो चलिए पहले डिनर की थाली देखते हैं। मैं रात को सूखी सब्जी थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ, तो मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं थोड़ी सी रसेदार या ग्रेवी वाली सब्जी बनाऊँ। और मुझे पनीर भी लेना होता है रात को अपनी प्रोटीन सोर्स पूरा करने के लिए, तो मैं थोड़ी सी ग्रेवी बना लेती हूँ और उसमें जो भी सब्जी होती है वो डाल देती हूँ और थोड़ा सा पनीर डाल देती हूँ जो भी सब्जी बन रही है, या फिर मैं ऊपर से उसमें पनीर कट करके डाल देती हूँ। जैसे पालक बनाया था उसमें मैंने पालक पनीर डाल दिया है थोड़ा सा, और बाकी मैंने दो मटर पनीर की सब्जियाँ बनाई थी, शाही पनीर बनाया था। तो आप भी अपने जो डिनर मील्स है ना, कुछ भी बना हुआ हो, आप उसमें ऊपर से ना पनीर डाल सकते हैं, जिससे आपकी प्रोटीन की सोर्स पूरी हो जाए। देखो लाइक दिस, जैसे मैंने आज सिंपल प्लेन आलू टमाटर की सब्जी बनाई है, मेरे पास पनीर आज अलग से रखा हुआ था, तो मैंने क्या किया अपनी प्रोटीन सोर्स पूरा करने के लिए ऊपर से पनीर डाल दिया। जैसे आप हॉस्टल में रहते हो, पीजी में रहते हो, कहीं भी रहते हो, आपको जो भी सब्जी मिल रही है आप मार्केट से पनीर लाओ और ऊपर से उसमें पनीर डाल दो, तो आपकी प्रोटीन सोर्स पूरी हो जाएगी, राइट? तो मैं इसी तरह से अपनी रात की जो पनीर की सोर्स है ना, पनीर की जो रिक्वायरमेंट मेरी है वो मैं पूरी कर लेती हूँ। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप इस तरीके से अपना प्रोटीन सोर्स पूरा कर सकते हैं। सबसे अच्छी चीज़ पता है क्या है, आपको हेडेक नहीं लेनी। कुछ भी बन रहा है पनीर लो, कट करो, पीसेस बनाओ, अलग से उसमें डाल दो। नहीं डालना है सब्जी के अंदर तो साइड से आपको नमक लगा के, उस पर थोड़ा सा चाट मसाला लगा के साथ में पनीर खा लो। कम से कम 50 ग्राम 100 ग्राम आप पनीर खा सकते हो। तो इसी तरीके से अपनी आप भी अपनी सारे डिनर मील्स ईजिली रेडी कर सकते हो बिना किसी टेंशन के। उस दिन बनी थी पूरियाँ, तो मैंने पूरियाँ खाई। मुझे रात को डिनर में पूरियाँ खाना, क्योंकि सब पूरी फैमिली का खाना होता है, तो रात को पूरियाँ खाना बड़ा अच्छा लगता है, और पनीर के साथ पूरियाँ तो मतलब बेस्ट मील बन जाती है। और साथ में मैं ले लेती हूँ कभी कभी, जैसे हमारा पनीर टिक्का बनता है तो वो ले लेते हैं रात को डिनर में। ये मैं ब्रेकफास्ट में भी ले लेती हूँ, डिनर में भी ले लेती हूँ, और जो लोग बाहर निकलते हैं वो लंच में भी सुबह ही पैक करके लेकर जा सकते हैं, तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छा सोच रहता है। सिंपल है, आपने सब्जी और पनीर सारा सॉटे किया और उसके बाद उसमें एक पराठे पर रैप करके एक रोल सा बना लिया, टेस्टी सा, यम्मी सा, तो ये भी डिनर बड़ा अच्छा रहता है। वज़न बढ़ाने के लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको डाइट फॉलो करना ज़रूरी है। आप रोते रहोगे वज़न नहीं बढ़ रहा, वज़न नहीं बढ़ रहा, तो उससे काम नहीं चलेगा, डाइट फॉलो करना पड़ते हैं। आलू बहुत अच्छा हेल्दी फैट देता है, आपके पास कुछ नहीं है तो कम से कम खूब सारे उबले हुए आलू की सब्जी बनाओ और आराम से उसे दो पराठों के साथ इंजॉय करो, बहुत अच्छा आपको हेल्दी फैट देगा। अगेन फिर से मैंने आज बनाया है सोया चंक पनीर, सोया चंक। आपके पास पनीर नहीं है तो एक बहुत अच्छा सोर्स बता रही हूँ आपको, ये है सोया चंक। मैंने इसे सिंपल उबले हुए पानी में नमक डाल के इसको उबाल लिया है और इसे निचोड़ के सिंपल जो भी मेरी ग्रेवी बनी हुई थी मैंने उसमें डाल दिया है। हेल्दी पनीर आपको हेल्दी प्रोटीन देगा ये, और टेस्ट में भी बड़ा अच्छा लगता है। तो ये थी हमारी सारी डिनर की थाली। आपकी कौन सी फेवरेट डिनर की थाली है मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताना। ये सारी डिनर की थाली बनाओ, मेक श्योर इससे पहले जो मैंने वीडियोस बनाई है ना, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, अगर नहीं देखा है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस है आप लोगों के लिए, नहीं देखा है सबसे पहले चैनल पे जाओ, आप वो वीडियोस देखो। वजन बढ़ाना इट्स लाइक अ जर्नी, एक जर्नी है, छोटे छोटे स्टेप्स लोगे तभी इस जर्नी को पूरा कर पाओगे, लेकिन इस बात की मेरी गारंटी है कि 100% वजन बढ़ा पाओगे। जब मैं बढ़ा सकती हूँ तो आप क्यों नहीं बढ़ा सकते हो। मैंने अपनी पर्सनैलिटी को यहां से यहां ले आई हूँ। सेम सिंपल तरीका है अपने आप को मोटिवेट करने का, हर दिन, हर वीक एक अपनी फोटोग्राफ लो और फिर उसको लास्ट वीक वाले फोटोग्राफ से कंपेयर करो, आप डिफरेंस देख सकते हो कि आपके अंदर कितना मेजर चेंजेस आया है। और ये पॉसिबल है अगर आप पूरे दिलो जान से उस चीज को पाने में लग जाओ। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं आपको डाइट प्लान्स के साथ साथ मोटिवेट भी करती रहूं, जिससे आप मतलब अपनी जो जर्नी है ना उसको बिल्कुल भी तोड़े नहीं और इसे कंटिन्यू 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 उसमें चलते ही रहो।
तो ये सारी मील्स देखो, उन्हें लेना शुरू करो और रिजल्ट्स तो आप लोगों के सामने होंगी। और स्पेसिफिक किस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं, कहाँ आप लोग अटक रहे हो, स्टक हो रहे हो, कौन सी मील्स आप नहीं बना पा रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा कि हाँ मैं ये चीज़ें नहीं बना पा रही हूँ, तो मुझे बताओ। ठीक है, आप बिजी हो, मैं बिजी गर्ल्स के लिए भी डाइट प्लान्स लेकर आ चुकी हूँ, लेकिन अगर आप लोग मुझे बताओगे ना कि दी इस यहाँ मुझे प्रॉब्लम हो रही है, इसके ऊपर वीडियो बनाओ कि मैं यहाँ से कैसे निकलूँ, ठीक है, तो मैं उसके ऊपर 100% वीडियो बनाऊंगी। वो मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो एक लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।